जिला उद्योग केंद्र जिला उद्योग रहता है उनके पास ही। एक निवेदन और था कि एक बार सारी जो इंडस्ट्री है वो गाइडलाइन लो कर रही है और जो लेबर है उनकी सेफ्टी के हिसाब से किस तरह की सुविधा है उसकी जांच प्रशासन स्तर पर होना पूरी लापरवाही है। गांव के मरीज मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस तरह का विस्फोट सरकार के बैठे हुए लोग इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। इस घटना जो घटी है मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाए और इसके साथ ही समूचे व्यक्तियों के खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह के नियमों का उल्लंघन किया उनके विस्फोट कार्रवाई की अनुरोध व्यवस्था की मांग। देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। जिला उद्योग केंद्र रहता है उनके पास ही। सर में एक निवेदन और था कि एक बार सारी जो इंडस्ट्री है वो गाइडलाइन लो कर रही है और जो लेबर है उनकी सेफ्टी के हिसाब से किस तरह की सुविधा है उसकी जांच प्रशासन स्तर पर होना। पूरी लापरवाही है। गांव के मरीज मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस तरह का विस्फोट सरकार के बैठे हुए लोग इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। इस घटना जो घटी है मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाए और इसके साथ ही समूचे व्यक्तियों के खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह के नियमों का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुरोध व्यवस्था की मांग। देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। जिला उद्योग केंद्र रहता है उनके पास ही। सर में एक निवेदन और था कि एक बार सारी जो इंडस्ट्री है वो गाइडलाइन लो कर रही है और जो लेबर है उनकी सेफ्टी के हिसाब से किस तरह की सुविधा है उसकी जांच प्रशासन स्तर पर होना। पूरी लापरवाही है। गांव के मरीज मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस तरह का विस्फोट सरकार के बैठे हुए लोग इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। इस घटना जो घटी है मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाए और इसके साथ ही समूचे व्यक्तियों के खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह के नियमों का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुरोध व्यवस्था की मांग। देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।